आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो एवरीवन, यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, हम उसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर मॉडल क्लास ढूंढने के लिए बोला है। यहाँ पर बोला गया है कि राइट द मॉडल क्लास फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है 1 to 4, 5 to 8, 9 to 12, 13 to 16, 17 to 20, ऐसा दिया हुआ है। इसका मॉडल क्लास निकालना है और इसका फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर क्लास लिमिट दिया हुआ है। ये जो दिया हुआ है 1 to 4 and 5 to 8, यहाँ पर ब्रेक है, 4 to 5 में कुछ वैल्यूज नहीं दिया हुआ है, तो ये हमें क्लास लिमिट दिया हुआ है, इसका हम क्लास लिमिट लिख सकते हैं। तो पहले हमें इसको क्लास बाउंड्री में कन्वर्ट करना है। क्लास बाउंड्री कन्वर्ट करेंगे, और यहाँ पे सिर्फ ढूंढने के लिए बोला गया है कि मॉडल क्लास। मॉडल क्लास इसको देख के ही बता सकते हैं कि मॉडल क्लास क्या होगा, वो डिपेंड करेगा फ्रीक्वेंसीज पे। तो जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगा तो उस वही होगा मॉडल क्लास। तो यहाँ पर देख सकते हैं 8, 9, 1, 12, 8, 9, इसमें से सबसे ज़्यादा है 12, तो ये मॉडल क्लास हो गया 13 to 16। ये हमारा आंसर अभी आ गया है, पर हम मोड निकाल के भी देखते हैं। तो हमें यहाँ पर लिमिट दिया हुआ है, हम इसको बाउंड्री में चेंज करेंगे, मतलब 4 और 5 का मिड पॉइंट लेंगे, 8 to 9 का मिड पॉइंट लेंगे, ऐसा करके। हम यहाँ पर 0.5 से लेते हैं, तो स्टार्टिंग में होगा 0.5 से 4 और 5 के बीच में, तो 4.5, तो 4.5 ये हम जो ले रहे हैं बाउंड्री है। इसका वैल्यू भी लिख देते हैं, नाइट। फिर हम लेते हैं 4.5 से 8.5, इसका वैल्यू फ्रिक्वेंसी आएगा 9। फिर हम लेते हैं 8.5 से 12.5 तक, इसका वैल्यू आ रहा है, फ्रिक्वेंसी आ रहा है 1। फिर हम ले रहे हैं 12.5 से 16.5, इसका फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है 12। फिर हम लेंगे 16.5 से 20.5, 20.5 उसका दिया 8। लास्ट में लेंगे 20.5 से 24.5, इसका दिया हुआ है 9। अब मॉडल क्लास ये होगा हमारा, तो मॉडल क्लास मिल गया। अब हमें मोड निकालना है, तो मोड का जो फॉर्मूला होता है वो हम देख लेते हैं। अगर एम दिया हुआ जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमको डी लेते हैं, तो एम डी होगा एक सेल प्लस एफ एम माइनस वन, 2 मल्टीप्लाइड बाई एफ एम माइनस वन माइनस FM+1 होल मल्टीप्लाइड बाई सी। यहाँ पर हम बोल देते हैं कि किसका क्या मतलब होता है। तो हमने मॉडल क्लास जो ले लिया उसको हम वही क्लास का लोअर लिमिट लेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं मॉडल क्लास ये था, मतलब मॉडल क्लास ये होगा, हम इसको मार्क कर देते हैं। ये हमारा मॉडल क्लास है 12.5 से 16.5, अब इसका लोअर लिमिट लेंगे, मतलब 12.5 लेंगे। तो यहाँ पर लोअर लिमिट ले रहे हैं। एफ ऑफ एम का मतलब होता है जो मॉडल क्लास है उसी का फ्रीक्वेंसी, एफ एम माइनस का मतलब है उसके आगे जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी, एफ एम प्लस वन मतलब है उसके बाद में जो क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी, और यहाँ पर जो सी है उसका मतलब है क्लास वही, मतलब दोनों क्लासों किसी भी दोनों क्लास ले लेते हैं उसका जो डिफरेंस होता है उसी में। और ये भी ले सकते हैं कि हम इन दोनों का डिफरेंस भी ले सकते हैं 8 and 12.5 का, वो भी क्लास वाइज बनेगा, अगर डिपेंड करता है कितना दूर पे है। ये भी देख सकते हैं, ये 4 पे है, ये भी 4 पे है, तो दोनों सेम है तो दोनों ही दे सकते हैं। अब हम इसको चेक करते हैं, मान बिठाएंगे तो ये हमारा मॉडल क्लास है, इसका लोअर लिमिट बिठाएंगे तो हमें मिलेगा 12.5 प्लस इसका वैल्यू, तो 12 माइनस इसके आगे वाले जो फ्रीक्वेंसी है 1, अब इसका डबल लेंगे तो 24 माइनस इसके आगे वाले फ्रीक्वेंसी और बाद में जो फ्रीक्वेंसी आता है 8, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर देख सकते हैं डिफरेंस 4 है, तो 4, अब इसका सोल्यूशन निकालेंगे तो हमें यहाँ पर मिल रहा है 8 बाई गया तो 12.5 प्लस ऊपर आएगा 11, 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो 14 आ जाएगा। हम ठीक से लिखते हैं इसको, यहाँ पर 11 आया, 4 से मल्टीप्लाई होकर 44 आ गया। अब यहाँ पर देख सकते 24 माइनस 16 माइनस 15, अब इसका वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ पर वैल्यू आ गया 2.93। हम समेशन करेंगे तो यहाँ पर आ गया 15.43। अब इसका हम मॉडल मोड का वैल्यू हो गया एक जो फ्रीक्वेंसी दिया है, और मॉडल क्लास हो गया 13 to 16। हम इसको 12.5 to 16.5 लिख सकते हैं अगर हमने पूरा किया होता।
अगर मॉडल क्लास इज से बोलना है तो हमें बोलना पड़ेगा 13 to 16 इज द क्लास फॉर द मॉडल। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।